खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से, जहां जिला जज को कोरोना संक्रमित होने पर आज उनको लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब नारायणा हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां की अव्यवस्था को देखकर खुद मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंग रह गए और भर्ती होने गए जिला जज भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सेवाओं को दुरुस्त करने की सलाह दी। वहीं लापरवाही को बरतने पर नारायणा हॉस्पिटल के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का आदेश दिया। आपको बता दें, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने थाना पनकी जाकर हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने के लिए मुकदमा दर्ज कराया। वहीं डीसीपी बेस्ट संजीव त्यागी ने बताया कि जिला जज कोरोना संक्रमित होने पर नारायणा हॉस्पिटल गए थे, पर वहां की अव्यवस्था को देखकर वो नाराज हो गए। वहीं उनके आदेश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पनकी थाने पर एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसकी जाँच करके दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही करी जाएगी। पूछो सर, ये जो आज चार डॉक्टर पकड़े गए हैं, सर क्या पूरा मामला है इस बारे में? जनपद कानपुर नगर के जिला जज महोदय कोरोना पीड़ित हैं। सीएमओ कानपुर नगर आज उन्हें नारायणा अस्पताल में भर्ती कराने के लिए साथ लेकर आए थे। अस्पताल की अव्यवस्थाओं को देखकर दोनों ही अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। सीएमओ की तरफ से थाना पनकी पर एक तहरीर की गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है? अभी जब दर्ज होकर एफआईआर आ जाएगी तो आपको बता रहे हैं। सर, अस्पतालों में जो ये बहुत मचा रखा है, इसके लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ प्रशासन कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सीएमओ महोदय ने इसीलिए इसमें अभियोग पंजीकृत कराया है, कहीं कुछ कमी पाई है तो उसके लिए अभियोग। क्योंकि कानपुर के हर अस्पताल देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।